सबसे पहले जब आप खोलोगे फोटोशॉप टच ऐप को तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन मिलेगी। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है नीचे ऐड फोटो का, यहाँ से ऑप्शन आता है सेव करने का, और ये सब डिलीट वगैरह के, ये सब प्रोजेक्ट को डिलीट करने का ऑप्शन है। ये ट्यूटोरियल्स है, अगर आपको सीखना हो तो आप इनमें से देख के भी सीख सकते हो। और बाकी यहाँ पे इंट्रो है, इंट्रो वगैरह ये सब सीखने के लिए है, अगर आप सीखना चाहो तो ट्यूटोरियल इसके ले सकते हो और सीख सकते हो। उसके अलावा टूल्स का क्या यूज है वो मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको अपनी कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं अपनी कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने मान लो ये वाली फोटो सेलेक्ट की और यहाँ पे मैंने ऐड वाले पे क्लिक कर दिया। अब ये करते ही अब ये सारे टूल्स मेरे पास ओपन हो गए हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स है, काफी सारे टूल्स है, ऊपर की तरफ काफी सारे टूल्स है और इधर लेयर्स वाले ऑप्शन है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ऑप्शन आता है ऐड फोटो का। अगर मैं इसके ऊपर कोई और फोटो ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये बेसिकली तब यूज होता है जब आपने बैकग्राउंड चेंज किया हो, तो बैकग्राउंड के ऊपर आप अपना PNG लगा सको। तो एकदम सिंपल सा यूज है, अच्छा यूज है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है ये एडिट, कट, कॉपी वगैरह ये सब। अब इन सब को यूज करने के लिए और इन सारे टूल्स को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे से जो है कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों चारों टूल जो है ये सारे हैं सिलेक्शन टूल। हमें अपनी फोटो का वो पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें भी हम ये सारे टूल यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ से पहले तो बैक कर दो ताकि फोटो वापस आ जाए। यहाँ से मान लो मैंने अपना कोई भी सिलेक्शन वाला टूल यूज किया और जितना भी पार्ट मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उतना मैंने सेलेक्ट कर दिया इस तरीके से घुमा के। जैसे कि क्विक सिलेक्शन टूल मैंने यूज किया, इसका टूल मैं भी बताता हूँ इसका यूज। पहले आपको ऐसे कोई भी अपना पोर्शन सेलेक्ट कर लेना जितने में भी आपको वो इफेक्ट डालना है, तो इतना पोर्शन आपका सेलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ से इस पोर्शन को कट भी कर सकते हो और इस पोर्शन को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, वापस पेस्ट करना चाहो तो वापस पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आपको पूछ लेगा कहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी रख सकते हो। ये बेसिकली PNG अगर आपने बनाया होगा अपनी फोटो का तभी ये सब यूज होगा, अदरवाइज वैसे इसका कुछ खास यूज नहीं है। क्लियर करने वाला पूरा क्लियर कर सकते हो। तो ये सब खाली PNG बनाने वाले हैं। मैंने एक ट्यूटोरियल पहले इसका डाला था जिसमें मैंने प्रॉपरली सिखाया था कैसे PNG क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इस तो आपको इसके सारे टूल्स का यूज पता होगा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। तो ये सारे टूल का यूज तभी होता है जब आपका कोई PNG वगैरह आपने बनाया हो अपनी बॉडी का। सिमिलरली इसमें सेलेक्ट ऑल, डिसलेक्ट ऑल, सेलेक्ट पिक्सल्स, इनवर्स वगैरह। तो जैसे सपोज कर लो ये मैं बैक करके फिर से अपनी फोटो बना लेता हूँ जैसे मेरी पहले थी ऐसे थी। अब मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया तो अब ये मेरा पूरा सेलेक्ट हो गया। अब ये पूरा सेलेक्ट होने के ये सिर्फ सिलेक्शन करने के हैं। तो चाहो तो हम अपना जितना हमें चाहिए हम उतना सेलेक्ट कर लें। अगर पूरी फोटो पे कुछ करना है तो हम पूरी फोटो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको इसमें ये सारे टूल सेलेक्ट करने के हो गए। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म का, इसको हम उठा के इधर उधर कर सकते हैं, साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो ये सब अलग चीज़ है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म के बाद जैसे सेलेक्ट ऑल का हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, अब यहाँ से ऑप्शन आता है हमारे पास इफेक्ट्स डालने का। तो ये सब एडजस्टमेंट वगैरह है, ब्लैक एंड व्हाइट डालना चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट डाल लो, टेम्परेचर वगैरह कम करना चाहो तो वो सब कर लो। तो ये इस तरीके से आपको इफेक्ट डाल लेने हैं। बाकी इसके अंदर जो अच्छे वाला टूल है वो ये है ऑटो फिक्स का, ऑटो फिक्स कर सकते हो आप अपनी फोटो को। ये फोटो तो मेरी हल्की फुल्की पहले से ही एडिट हुई हुई थी इसलिए इतना कुछ खास इस पे लगा नहीं, बट एक नॉर्मल फोटो पे अगर आप यहाँ से ऑटो फिक्स का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी ये सारे इफेक्ट्स है जैसे पिक्सआर्ट में होते हैं, कर्व टूल है, ये सब पिक्सआर्ट में, ये सब एकदम बेसिक चीजें हैं, अगर आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो। इनके अलावा यहाँ FX के अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऊपर मिलता है आपको ब्लर करने का, ठीक है, गैशियन ब्लर होता है, डायरेक्शनल ब्लर होता है, अलग अलग टाइप्स के ब्लर करने के ऑप्शन आपके पास आते हैं। उसके अलावा शार्पन का ऑप्शन, अगर आप पिक को और ज्यादा शार्प बनाना चाहो तो इस तरीके से शार्प बना सकते हो, और ब्लर ब्लर करना चाहो तो हल्की सी ब्लर भी कर सकते हो। तो इस तरीके की भी आप इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से भी। बाकी ग्लो वाला ऑप्शन है, इससे भी जो है अगर PNG बना के यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से पूरी फोटो पे अच्छे से नहीं आएगा, PNG बना के यूज करना तब काफी अच्छा आएगा। उसके अलावा स्टाइल्स वाला ऑप्शन है, इसमें भी अलग अलग तरीके के इसमें इफेक्ट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, और जिस तरीके पिक्सआर्ट में होते हैं उसी तरीके से इसमें भी है, काफी सारे हैं इसमें। और इसकी जो मेन खासियत है वो ये है कि आपकी जो है फोटो फटेगी नहीं। पिक्सआर्ट में अगर आप ज्यादा एडिटिंग करते हो तो आपको पता है आपकी फोटो फटने लग जाती है, ये इसका एक मेजर प्लस पॉइंट है कि आपकी फोटो बिल्कुल भी नहीं फटेगी चाहे आप कितनी भी एडिटिंग कर लो। अब FX के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रॉप का, फिल एंड स्ट्रोक का, इमेज साइज का। तो ये सब बेसिक यूज है जो हर एक फोटो एडिटिंग ऐप में होते हैं। आपने अगर मेरी पिक्सआर्ट की जो डिटेल्स वाली वीडियो देखी होगी उसमें आपको सारे टूल्स का यूज पता चल गया होगा, इस मैक्सिमम यही टूल्स हैं उसमें भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो की लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे तरीके से इन टूल्स का यूज समझ में आ जाएगा। उसके अलावा ये ऑप्शन है, ये अगर आप एडिट कर लो तो उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से जूम वगैरह करके कि हाँ कैसी एडिट हुई, उसके बाद फिर से बैक कर सकते हो। तो ये थे ऊपर वाले कुछ टूल्स, इनका यूज मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि किस टूल का क्या यूज होता है। अब आते हैं साइड में, ऊपर से लेके तीन चार, तो जैसे मैंने कहा कि ये सिलेक्शन टूल है तो पहले तो यहाँ से डिसलेक्ट कर लेता हूँ आप। अब यहाँ पे तीन चार है, ये है पहला स्क्वायर में अगर आपको कुछ सिलेक्शन करना हो या ट्रायंगल में करना हो तो आप वहां से कर सकते हो, और इसके अलावा ये सब है इसमें भी इस तरीके से भी अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो आप कर सकते हो। इनमें जो सबसे अच्छा है वो ये थर्ड वाला ऑप्शन, इसके अंदर तीन चार ऑप्शन है, ये चारों ही ब्रश काफी अच्छी है। तो सबसे पहले जैसे मान लो क्विक सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल में आपको कैसे सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से अपनी फिंगर इस तरीके से घुमाओ
जितने भी पोर्शन में आपको सेलेक्ट करना है और आपका मैक्सिमम एरिया अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ से मैक्सिमम एरिया अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से इस तरीके से स्लाइड करते रहो और जो ज्यादा है उसको फालतू का इधर से कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी फिंगर रब करते रहना है। ये मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना के अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो अगर आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझना है तो आप उसमें से समझ लेना, वरना ऐसे भी मेरे ख्याल से काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो काफी हद तक ये सिलेक्शन हो गया है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से ऊपर वाला ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया था नीचे से सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ से अब आप इसको पूरे को यहाँ से कट भी कर सकते हो। तो बैक बैक जितने हिस्से में भी आपका सेलेक्ट हुआ होगा वो पूरा कट हो जाएगा। अभी फिलहाल ये मैंने प्रॉपरली नहीं किया, जल्दी जल्दी किया तो इसलिए इस तरीके से हुआ है। बाकी आप धीरे धीरे आराम आराम से करोगे तो और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके अलावा कॉपी पेस्ट, कॉपी मान लो कॉपी कर लिया आपने और फिर यहाँ से क्लिक करके आप पेस्ट वाले पे क्लिक करो तो आपको ये पेस्ट करने के लिए भी इतना ऑप्शन दे देता है। तो ये सब काफी अच्छे अच्छे यूज है, आप इसको अपनी क्रिएटिविटी लगा के अगर यूज करोगे तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है आप इसको बना पाओगे पिक को। इसके अलावा फैदर वाला ऑप्शन है, ये काफी अच्छा है। फैदर वाले ऑप्शन में जो आपकी बॉडी की बाउंड्री होगी ये अगर आपकी कटी कटी आएगी तो ये आप इसमें फैदर वाले को 9 या 10 के आसपास सेलेक्ट कर लेना और डन कर देना। काफी अच्छे तरीके से आपकी बाउंड्री सेलेक्ट होगी, बाहर का बैकग्राउंड का जो पोर्शन है वो पूरा कट हो जाएगा प्रॉपरली। तो इस तरीके से आपको ये थर्ड वाला टूल यूज करना है। और इसी में जो है ब्रश टूल है, मैजिक वैन टूल है, तो ब्रश टूल का यूज भी कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो ब्रश टूल आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये जैसे साइड में से ये निकला हुआ है तो आप ब्रश टूल वाले में सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो तो इतना पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाउंड्रीज वगैरह को सेलेक्ट करने के लिए आप इसमें ब्रश टूल का यूज कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से इसमें जो है बाउंड्री सेलेक्ट करने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो ये थर्ड वाला टूल इस तरीके से यूज होता है। बाकी ऊपर वाले सिलेक्शन वाले स्क्वायर में अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना हो तो सिर्फ स्क्वायर से सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रायंगल में करना हो तो उस तरीके से। उसके अलावा फिर ऑप्शन आता है आपके पास पेंट टूल का, इफेक्ट टूल का, स्प्रे टूल का। तो ये सब वैसे देखा जाए तो ये सब आप ब्लैंक शीट पे भी कुछ इसमें ड्रॉ वगैरह कर सकते हो, कुछ भी क्रिएटिविटी के लिए अपनी बॉडी की आउटलाइन क्रिएट कर लो ब्लैक कलर से, आईज वगैरह पे, फेस वगैरह पे ये सब क्रिएट कर लो और उसके बाद कलर फिल कर दो तो आपको एक जो है स्केच पेंट की तरह एक ऑप्शन मिल जाता है। आपकी जो है पेंट एक कार्टून टाइप की इमेज बन सकती है तो वहां पे आप ब्रश टूल को यूज कर सकते हो। उसके अलावा मान लो आपने स्पेक्स लगा रखे, अगर चश्मे लगा रखे हैं तो आप जो है ब्रश टूल में से यहाँ से जो है कोई भी साइज सेलेक्ट करके और कलर वगैरह करके जो है चश्मों के ऊपर कलर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है ब्रश टूल को यूज कर सकते हो, काफी अच्छा यूज होता है इसका भी। अभी मैं फिलहाल डिसलेक्ट कर देता हूँ पूरा। ब्रश टूल के अलावा पेंट टूल, इफेक्ट पेंट टूल, इफेक्ट पेंट टूल भी एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए सपोज कर लो जैसे अभी अभी मैंने जो है पूरा वो बनाया था जो सेलेक्ट किया था, देखो इस तरीके से जो मैंने अभी सेलेक्ट किया था। अब मैं अगर इसमें से जो है इफेक्ट टूल को चूज करूं तो ये मेरा इफेक्ट टूल है। अब इसमें से ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट के, टेम्परेचर के, कर्व वगैरह। तो जैसे मान लो ब्लैक एंड व्हाइट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रश ले लूँ और ब्रश का साइज बढ़ा के, हार्डनेस बढ़ा के अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पूरे पे रब करूँगा तो जितने पोर्शन में मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही पोर्शन मेरा ब्लैक एंड व्हाइट होगा। मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे फेस पे, मेरी बॉडी पे या शर्ट पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां तक मैंने सेलेक्ट किया उतना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो ये भी काफी एक अच्छा टूल है। तो इस तरीके से आप जो है अपना बैकग्राउंड जो है ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शन आते हैं तो आप इनमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हो या जितने भी पोर्शन में आपने जो है सिलेक्शन किया होगा आप उतने पोर्शन में जो है इस तरीके के इफेक्ट डाल सकते हो। अब इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ये वाला, इसमें क्लोन टूल है और हीलिंग ब्रश टूल है। क्लोन टूल क्या होता है, पहले मैं इसको एक बार बैक कर लेता हूँ ताकि मेरी जो फोटो है फिर से वैसी बन जाए जैसी पहले थी। अब आपको क्लोन टूल के बारे में, क्लोन टूल होता है बेसिकली डुप्लीकेट बनाना। डुप्लीकेट कैसे बनाना, जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है क्लोन टूल, और क्लोन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है इस तरीके से दिखाता है सोर्स सेलेक्ट करना आपको और कहीं पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पहले इसको पूरी फोटो को डीसेलेक्ट कर लो आप, उसके बाद सोर्स सेलेक्ट किया और कहीं पे भी आपने रख दिया। फिर ब्रश सेलेक्ट करनी है, ब्रश की हार्डनेस साइज वगैरह जो भी आपको जितना भी सूटेबल लगे आपको उतना कर लेना है और उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे करना है। तो ये देखो इस तरीके से जहां जहां पे आप ये स्लाइड करोगे उतने पोर्शन में आपका जो है जहां पे भी आपने सोर्स सेलेक्ट किया होगा वो पोर्शन आपका फिर से बनता जाएगा। इस तरीके से स्लोली स्लोली करना है, ज्यादा जल्दी करोगे तो ये हैंग हो सकता है। अगर आपके फोन की रैम या प्रोसेसर अगर स्लो है तो बिल्कुल हैंग हो जाएगा ये। तो इसमें स्लोली स्लोली आपको करना है, इस तरीके से आपका डुप्लीकेट बनता जाएगा ये। तो ये यूज होता है क्लोन टूल का, अगर आपको अपनी जो बॉडी का डुप्लीकेट बनाना है तो आपको इस तरीके से कर लेना है। उसके अलावा ऑप्शन है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली यूज होता है अगर आपके फेस जो है हार्ड फेस है, अगर आप उसको सॉफ्ट बनाना है तो या पिंपल्स वगैरह तो आपको अगर वो दूर करने हैं तो आप जो है हीलिंग ब्रश को यूज कर सकते हो। और करना कुछ नहीं है, बस जैसे अभी क्लोन टूल को यूज किया उसी तरीके से यहाँ पे रखा, ब्रश सेलेक्ट की और जो है अपना यूज कर लिया अपने फेस पे। उसके अलावा इरेजर टूल है, इरेजर टूल आपको बताइए इरेज करने के लिए, अगर आप चाहो तो इसे बैकग्राउंड इरेज कर लो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एज अवेयर को ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप बैकग्राउंड इरेज करोगे तो आपको जो है काफी हद तक ये हेल्प करेगा कि आपका जो है बॉडी जो इरेज ना हो। देख रहे हो मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बॉडी के पास से, लेकिन ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहा इससे। तो ये काफी अच्छा यूज होता है एज अवेयर टूल का। तो अगर आपको मान लो पिक्सआर्ट में या किसी और ऐप में 10 मिनट लगते हैं इसमें जो इरेज करने में बैकग्राउंड, तो इसमें आपको मुश्किल से 5 या 4 मिनट लगेंगे। तो ये काफी ज्यादा अच्छा यूज है एज अवेयर टूल का। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लर टूल और
स्मज टूल। तो ब्लर टूल तो आपको पता ही है, सिलेक्शन कर लेनी है, उसके बाद जितने भी पोर्शन में, जैसे अभी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया, आप उसी तरीके से ब्लर भी कर सकते हो। स्मज टूल का यूज़ क्या होता है, स्मज टूल बेसिकली यूज होता है फेस को स्मूथ भी बना सकते हो आप इससे स्मज टूल से। ब्रश में जाके जो है आप ब्रश यूज़ कर लो, कोई भी साइज यूज़ कर लो, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं ब्रश के भी, तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला सिंपली यूज़ किया और यहाँ से हार्डनेस वगैरह कम की, तो अगर आपका फेस जो है काफ़ी ड्राई है, हार्ड फेस है, तो आप यहाँ से धीरे धीरे इस तरीके से स्लाइड करके जो है फेस को स्मूथ भी बना सकते हो। स्ट्रेंथ वगैरह सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इससे जो है बालों को भी एडिट कर सकते हो, हेयर एडिट करने के लिए भी काफ़ी अच्छे से काम आता है। यहाँ से ब्रश उसके लिए आपको चूज़ कर लेनी है ये वाली, और फिर यहाँ से साइज हार्डनेस वगैरह कैपेसिटी कर लेना, क्योंकि ये तो मैं पिक जो है इस पे इफेक्ट डाले हुए, इस पे शायद इतने अच्छे से बाल एडिट नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई नॉर्मल पिक होगी तो उस पर आपको काफी अच्छे तरीके से जो है हेयर एडिटिंग मिल जाएगी, जैसे आप देख रहे हो। तो राइट साइड में जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन है, तो मैक्सिमम लोगों को लेयर्स के बारे में पता ही है। अगर आपको बाय चांस नहीं पता, एकदम बेसिक से आपको नहीं पता, तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो डाली हुई है। जैसे मैंने पिक्सा ड्रॉ टूल की वीडियो डाली थी, उसके अंदर लेयर्स के बारे में कंप्लीट एकदम बेसिक तरीके से लेके एकदम एडवांस तरीके तक उसमें बता दिया था कैसे हम फोटो एडिटिंग करते हैं, बेसिक से मैंने समझाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं ऊपर राइट बटन में डाल दूंगा, अब वहां से वो वीडियो देख लेना, आपको लेयर्स के बारे में भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब एक एक करके मैंने ए टू जेड इसके सारे टूल्स के यूज बता दिए, किसका क्या यूज होता है, कैसे यूज करना चाहिए, और फाइनल इसमें यही है कि पिक सेव कैसे करनी है। कई बंदों को ये नहीं पता कि पिक सेव कैसे करते हैं, तो सपोज कर लो इस तरीके से आपने पूरी एडिटिंग कर ली, इसके बाद आपको यहाँ से बैक वाले पे जाना है और सेव प्रोजेक्ट करना है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सेव करना पड़ता है इसमें, उसके बाद ही आपको जो है गैलरी में फोटो सेव करने का ऑप्शन आता है। तो सेव प्रोजेक्ट करने के बाद आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितनी भी आपने एडिटिंग करी होगी उस हिसाब से। तो सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से ये प्रोजेक्ट सेव हो जाता है। अब आप इसको गैलरी पे सेव कर सकते हो, इस पे क्लिक करा आपने, सेव टू गैलरी पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, और इसके बाद ओके वाले पे क्लिक कर दोगे तो ये फोटो जो है आपकी जो भी एडिट की है वो गैलरी में सेव हो गई। और एक चीज़ और है, यहाँ से सेव करोगे, सेव टू गैलरी पे जाओगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास पीएनजी का ऑप्शन आता है। तो अगर आपने कटआउट निकाला है, बैकग्राउंड इरेज किया, तो आपको पीएनजी सेलेक्ट करके फिर ओके करना है, तभी आपका पीएनजी सेव होगा, अदरवाइज उसके पीछे व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड जुड़ जाएगा, जिससे जो है वो फोटो फिर से जेपीईजी बन जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप अगर डिलीट करना चाहो तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, वापस अगर प्रोजेक्ट ओपन करना चाहो तो इस पर क्लिक करके वापस ओपन भी कर सकते हो, और डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट वाले पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो इस तरीके से डिलीट भी हो जाएगा। सो ए टू जेड मैंने आपको सारे टूल्स का यूज बता दिया, किस तरीके से क्या यूज होता है, बेटर यूज इसमें, सबसे बेस्ट यूज मैं बताऊं, इसके मेजर बेनिफिट्स जो है वो ये है कि आपकी फोटो की क्वालिटी नहीं फटेगी, पीएनजी बनाने के लिए अपनी फोटो का बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर, स्मज टूल और जो ब्लर टूल ये सब जो है आप सिलेक्शन करके यूज कर सकते हो, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें चीज है, और स्मज टूल भी आपको इसी के अंदर मिल जाता है। आपको अगर हेयर एडिट करने है तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि पहले पिक्सार्ट से एडिट करो फिर ऑटोडेस्क स्केचबुक में जाओ, डायरेक्टली आप इसमें कर सकते हो। बाकी इसमें इफेक्ट टूल, लेयर वगैरह सारे ऑप्शन, ए टू जेड सारे ऑप्शन है, और सब ऑप्शन का यूज मैंने बता दिया, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप जब इसको दोबारा यूज करोगे तो मेरे ख्याल से इतना तो होगा कि आपको हर टूल का यूज पता होगा कि हाँ इस टूल का ये यूज होता है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।